here, Tanmay, if he's here, and the beautiful lady that we see here, Navika, she has become a really busy artist and she's shooting, so she's unavailable with us right now. She'll join us very late, but yeah. Guys, come on, please Tanmay, welcome please. The actors of the songs. आई थिंक मैं धृति को ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहती हूँ. आई थिंक इट्स बिन अ मैंस वर्ल्ड सो फार एंड दिस वुमन एंटरप्राइजिंग वुमन इज नाउ ट्राइंग टू ब्रेक दैट मोल्ड एंड आई थिंक दैट्स रियली रियली हार्टनिंग एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड यहाँ से बस बुलंदियाँ छूनी है. ओह माय गॉड, आई लव दैट डायलॉग. दैट्स इट, बुलंदियाँ छूनी है. थैंक यू सो मच. एंड यू योरसेल्फ आर सच अ पावर हाउस एंड I love all your Instagram reels. You're so empowering physically, mentally, and also with all that you're achieving, and you're an inspiration for me, and thank you for being here on such an important day. It's my pleasure and my honor to be here and do this with you. Thank you. And I really, really, but from the bottom of my heart, wish you all the very best and go make your mark. I think it is empowering to see women come up. The three shows that I'm doing right now, I mean, nothing. I love men. I love all you guys. But it's so nice to see women producers, women directors, women. I don't know. I just feel like we're really good at our job. So yes, very much. I think I'm just so glad that we're all doing this together, and I'm glad that we have incredible men supporting our decisions as well. Because I don't think one is good without the other. Yes. It's only when it comes together that magic is. मैं एक्चुअली बहुत फ्रेंकली बताऊँ तो मैं थोड़ी सी स्पीचलेस हूँ, बिकॉज सोल ट्यून्स एक ऐसा सपना है जो मैंने 2 साल पहले देखा था. एंड उस पर काम करते हुए म्यूज़िक बनाते हुए ये जो लंबी जर्नी हमने काटी है, उसके बाद आज का दिन जो मैं देख रही हूँ, इट इज़ मेकिंग मी फील एक्साइटेडली नर्वस. मैं नर्वस नहीं हूँ, बट आई एम वेरी एक्साइटेडली नर्वस टू सी हाउ द पीपल एक्सेप्ट अस एंड विद सपोर्ट ऑफ पावर वुमेन लाइक हर सेल्फ. मुझे लगता है कि ये जर्नी बहुत ही अमेजिंग. डू यू हैव, आई थिंक शी इज द योगा क्वीन फॉर मी. तो मुझे लगता है कि इनके वीडियोज देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली थी योगा करने की. आई एम सो ग्लैड यू सेड दैट, बिकॉज यू नो व्हाट, मुझे 15-17 साल से मैं योगा कर रही हूँ, 8-9 साल से सिखा रही हूँ, पर मुझे ना YouTube पे वीडियो डालते कैसे ये पता नहीं. तो आई टू कीप थिंकिंग अगेन, 2 साल मैं सोच रही थी वीडियो डालेंगे कैसे YouTube के, लोगों तक पहुंचेगा कैसे. तो मैं शूट कर रही थी जनवरी में 2020 और दिस यंग बॉय ऑन माय सेट सेड, अरे इट्स वेरी इजी, आई विल टीच यू. और मुझे सेट पे उसने सिखा दिया एंड आई सेड इतना इजी होता है, हां शूट करो और दैट्स इट, अपलोड इट. ही सेड या दिस इज इट. आई सेड ओह. और उसके बाद आई थिंक मार्च वॉज द लॉकडाउन एंड आई सेड ओके, दिस इज द टाइम दैट आई वांट टू स्टार्ट माय योगा चैनल एंड आई स्टार्टेड. और वो इसीलिए था कि सब घर बैठे हैं, जिम नहीं जा सकते, वॉक भी नहीं जा सकते, तो योगा करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है. 1-6 foot का मैट या टावल या जो भी आप डाल लो और अपना योर ओन सेल्फ, दैट्स ऑल यू नीड. एंड दैट्स हाउ द यूट्यूब चैनल केम अबाउट एंड दैट्स हाउ अभी उसके अंदर अबाउट 60+ beginner intermediate practices on it.
एंड आई थिंक मुझे इतनी दुआएं मिली है. इट डिडंट स्टार्ट ऑफ एज एनीथिंग, इट जस्ट स्टार्टेड बिकॉज आई वांटेड टू गिव टू द सोसाइटी व्हाट योगा हैज गिवन टू मी, जस्ट टू शो व्हाट इट कैन डू टू योर लाइफ. बट द अमाउंट ऑफ पीपल दैट हैव कम एंड सेड कि ओ माय गॉड आई फॉलो योर योगा वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम ऑन यूट्यूब और हमने आपके साथ प्रैक्टिस की है ना, इट जस्ट मेक्स माई हार्ट, आई मीन आई जस्ट मेल्ट, इट्स सो नाइस. उसकी दुआ मेरी तरफ से, इनको देने दीजिए, आज इनका दिन है. नहीं नहीं, आई नो, थैंक यू सो मच विद्या, आप हमें सपोर्ट करने आई हैं. जैसे विद्या ने अपनी योगा की जर्नी के बारे में बताया, मुझे लगता है कि म्यूज़िक भी बहुत हीलिंग है, म्यूज़िक भी रूह से जुड़ता है. इसलिए आई थिंक द ब्यूटिफुल नेम दैट केम टू मी वाया ब्यूटिफुल एंजल सोल ट्यून्स, एंड मुझे लगता है कि इससे मैम जो हैं योगा के थ्रू लोगों से जुड़ रही हैं और मैं म्यूज़िक के थ्रू जुड़ रही हूँ. एग्जैक्टली, मुझे म्यूज़िक ऑल्सो इज़ द सेम थिंग, इट इज़ लाइक आई सेड, इट्स अ सोल कनेक्ट लाइक यू सेड, व्हिच इज़ व्हाई आई विश सोल ट्यून्स ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. वो स्टूडेंट से अभी म्यूजिक लेबल की ओनर बन चुकी है, क्या कहना चाहेंगे सर? रियली प्राउड. मैं ही सवाल पूछ रही हूँ सर से. I'm really proud of, मैं खुश हूँ कि तुम्हारी जो मैंने जर्नी देखी फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 10 ईयर्स व्हेन आई वाज यू वर माय स्टूडेंट एंड फ्रॉम देन टिल नाउ यू हैव नेवर स्टॉप्ड. लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री गिव अप, बट दैट्स सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो दैट यू हैव नेवर गिवन अप ऑन योर ड्रीम्स एंड यू आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. चाहे आपको किसी ने काम दिया नहीं किया, यू क्रिएटेड योर ओन वर्क विच इज़ सच अ पावर फॉर लॉट ऑफ पीपल हु कम टू दिस इंडस्ट्री एंड दे डोंट गेट अ अपॉर्चुनिटी एंड दे थिंक इट्स अ पीस ऑफ केक. राइट, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ओनली फ्यू पीपल लाइक यू कैन अचीव बिकॉज दे आर सो परसिस्टेंट ऑन वॉट दे वॉन्ट टू बी एंड दे डोंट लीव देयर ड्रीम्स फॉर एनीथिंग. सो congratulations. Thank you. I'm proud of you. Thank you so much. Music मैंने सुना नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर आई अच्छा अदरवाइज जर्नल इंडिया में तो म्यूजिक तो मतलब आपको पता है सोल है. राइट, कि पीपल आर लिसनिंग टू म्यूजिक, सोल ट्यून है, पीपल आर लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल द टाइम. दैट्स हमारी फिल्मों से पहले हमारा म्यूजिक बिक जाता है. कई बार तो फिल्मों का पूरा पैसा निकल जाता है म्यूजिक से. सो म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इन इंडिया, एक्चुअली ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट इंडिया पीपल लव म्यूजिक एंड आई फील क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड दिस काइंड ऑफ म्यूजिक इज न्यू पीपल कमिंग अप, न्यू थिंग्स आर हैपनिंग. Maybe she's going to sing in some film one day and I'm looking forward to that and that will be great opportunity for you. And yeah, so music is always a backbone for our films. Hamari industry mein to everything, it's a musical film, musical industry in a way. Hum musical films banate hain, hum dance banate hain, hum realistic bolte hain par music dal ke usko stylish to kar hi dete hain. Right. So music is a great thing. मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं. मैं बताइए सर, उनको वो लोग वेट कर रहे हैं. सो अभी मेरा एक प्रोजेक्ट रिलीज हुआ है वाद, जो नेटफ्लिक्स पे है, और अदरवाइज बम्बई मेरी जान एक प्रोजेक्ट आने वाला है जो अमेजोन के लिए एक सीरीज़ है. एक मैंने फिल्म करी है जिसका नाम अभी तक सुजॉय की फिल्म है, एंड देन एक और फिल्म है, एक और वेब सीरीज़ है दोनाली जो आने वाली है. तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल मेरे ख्याल से छः प्रोजेक्ट रिलीज़ होने हैं जो पुराने लॉकडाउन से अटके हुए थे, तो अब वो रिलीज़ हो रहे हैं और दे आर वेरी बिग प्रोजेक्ट एंड आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू कि हाउ ऑडियंस इज गोइंग टू रिएक्ट. I've done something new in those projects. मुझे एक बात बोलनी है कि आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ सर्स जर्नी, क्योंकि इतनी ब्यूटिफुल इनकी जर्नी रही है एंड आज मैं जब इनको हर फिल्म और हर वेब सीरीज में देखती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी. हर एक में नहीं यार, क्या नहीं, मतलब हर में नहीं, बट अभी 6 फिल्में रिलीज होने वाली हैं अगर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो मतलब हर फिल्म ही हो गया. आई मीन तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू सर. वेल, सोल ट्यून्स जैसा नाम है तो हम जो सीखे हुए आर्टिस्ट होते हैं वो सोल ट्यून सुन के ही आ जाते हैं ऐसी जगह पे, क्योंकि इतना खूबसूरत नाम किसी ने रखा है.
जब उन्होंने बताया मुझे कि म्यूज़िक के लिए इतना कमाल का इनिशिएटिव लिया है मैम ने, मेरी पहले वैसे तो बहुत चहती मेरी सहेली है और उसके अलावा बहुत ही अच्छी बेहतरीन कलाकार है और हम लोग बहनों की तरह ही हैं एक तरीके से कह सकते हैं, वी आर इनसेपरेबल साइनीज ट्विन्स। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, धृति जी बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और उनके साथ काम करना विल बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड बहुत मज़ा आएगा काम करने में। हमने बहुत टाइम से सोच रखा था साथ करेंगे, अभी मेरी एक सीरियल की शूटिंग जस्ट चल ही रही थी, अभी ख़त्म हुई है, तो हमने सोचा था जैसे ही ख़त्म होगी फिर सब लॉन्च करेंगे और म्यूज़िक वीडियो करेंगे साथ में। जो फीमेल लीड में भी हैं वो आज थोड़ी बिजी हैं, आज आ नहीं पाई, बट उनने भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा था सब कुछ एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद धृति जी। मैं धृति को बहुत सालों से जानती हूँ, हम दोनों साथ में रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था और हमारी माएँ वेट करती थी हमारे लॉट के आने का कॉम्पिटिशन से कि सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, आगे बढ़े नहीं बढ़े, सो तब से ही हमारा जर्नी साथ में सारा स्टार्ट हुआ है। नाम ले सकते हैं रियलिटी टीवी शो का? ले सकते हैं, इंडियन आइडल। ओके, इंडियन आइडल में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तब हम सिर्फ मात्र 16 बरस की लड़कियाँ थी, बाली उम्र थी हमारी, इसलिए हमारी मम्मियाँ हमारे साथ थी एंड वो हमारा वेट करती थी, हम लोग जाके ऑडिशन देते थे और फिर राउंड क्लियर होता था और फिर उनका इंतज़ार बढ़ता रहता था, तो हमारी वो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि फाइनली शी इज़ डूइंग अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अभी इसका पूरा फ़ायदा उठाया जाएगा, दोस्त का प्लेटफॉर्म है तो आई नो एंड आई विश हर बेस्ट कि बहुत बहुत गाने भी आपके बहुत पॉपुलर हो और सोल ट्यून्स पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए, अपना अच्छा अच्छा गाना रिलीज़ करे एंड माई बेस्ट इज लविंग विशेज टू हर। Thank you. Yeah, I think it's a very good initiative for the independent singers, musicians, and I feel independent like Soul Tune. You know, it's going to be a crazy stuff in the future years. And what I believe basically is Indian music is booming like day by day. There are a lot of new labels are coming, and you know, it's lot of exposure. And it's a best part is ki they are giving the chance to new people. New generation and solo artist, so it's a best thing. By the way, she's also a DJ, so you know, she knows better the beats, the music and everything. Yeah. So the one who knows like how you can groove on the beats is, I think, a great initiative. Actually, first congratulations and I wish all the very best for all the members. This looks amazing. And yeah. Yeah, actually this is a very nice concept for, you know, upcoming artists where, you know, they, so many of them are coming every day but they really don't know where is the right place to go or how to get, you know, to what they want to reach, and this is a very good platform for that, and I really wish that this grows a lot and all the best to them. I'm so grateful that today being here at the event makes me so honored, and I wish Soul Tunes very best of luck that they do amazing in coming future. I'm so happy. Thank you. एक यूथ के लिए, नई जनरेशन के लिए अपने टैलेंट को दिखाने के लिए इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड आई विश ऑल द ब्लेस्ड टू धृति मैम एंड हम उन्हीं के लिए आए हैं, सो आई विश वेरी ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। अभी होली में अपना एक नया गाना आ रहा है तो मैं ओपन अप इतनी फ्रेंडली नहीं कर पाऊंगा, सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर सेम थिंग, सो लेट्स सी, फिंगर इज क्रॉस फॉर द बेस्ट है ना। एंड यही बोलूँगा कि जो हम सब कर रहे हैं सोल ट्यून को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो हम सबको आप अपना प्यार देते हैं वो इस पर भी बरसाएं और क्या, और इसी तरह हम आपसे मिलते हैं। See you soon, guys. Soul Tunes music label, I'm very excited that such an idea has come up. And the whole purpose is, I mean, Dhriti Saharan, I'm here to support her. And the whole idea is actually to give platform to new musicians, artists, so that, you know, they can focus on art and the business side of things can be taken by these people, can be taken care of by these people. So I'm happy that something like this is happening and it's going to encourage a lot of upcoming musicians, a lot of upcoming artists. So I'm happy to be here and I'm happy to support Dhriti Saharan.